नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आचार्य जागेंद्र मिश्रा। 15 जून 2020 को सूर्य ग्रह अपनी राशि बदलने वाले हैं। जब भी सूर्य ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करते हैं, समस्त सृष्टि में बड़ा बदलाव होता है। समस्त ब्रह्मांड में शक्तिशाली और ज्योतिष शास्त्र में वर्णित नौ ग्रहों में सभी ग्रहों के राजा सूर्य ग्रह 15 जून तक वृषभ राशि में विराजमान थे। वह अब 15 जून को सोमवार को 12:10 से वृषभ राशि से निकलकर आपकी खुद की राशि मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसके चलते 15 जून से लेकर अगले 30 दिन यानी कि 15 जुलाई तक मिथुन राशि वालों के जीवन में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दोस्तों, यहां पर बता दें आपको और बताने में हमें अत्यंत खुशी हो रही है कि यह संयोग मिथुन राशि वालों के लिए भाग्य बनकर आया है, क्योंकि सूर्य ग्रह अपने मित्र के राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जबकि बुध ग्रह हमेशा सूर्य के आसपास ही भ्रमण करते हैं। सूर्य का यह राशि परिवर्तन आपके लग्न में हो रहा है, साथ में सूर्य बुध मिलकर बुद्धादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। दोस्तों, मिथुन राशि वालों, आपके कैरियर को यह परिवर्तन बड़ा शुभ साबित हो सकता है, क्योंकि यह परिस्थिति हजारों सालों के बाद बनकर आ रही है। आपके किस्मत के दरवाजे अब खुलने वाले साबित हो सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बताएं तो काल पुरुष की कुंडली में सूर्य ग्रह प्रथम भाव का स्वामित्व भी करते हैं, इसलिए आपके धन की स्थिति में सुधार होगा। आप में से कई जात के जो भी काम करेंगे उसमें विजय हासिल हो सकती है। यहाँ पर आपके रोजी रोजगार में खूब धन प्राप्त होगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पहले से ज़्यादा बेहतर हो सकती है। मिथुन राशि वालों के लिए यह स्थिति सूर्य के चलते आय के यानी कि आय में तो वृद्धि होगी, साथ ही साथ किसी से प्रेम भी अगर आप करते हैं तो प्रेम जीवन में सफलता भी आपको इस दरमियान मिल सकती है, और अपने प्रीतम के साथ अपनी स्थिति पहले से ज़्यादा मजबूत कर सकेंगे। आप दोनों के बीच समझदारी विकसित होगी, जिसका सीधे लाभ आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ने वाला है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि सूर्य सम्मान, सफलता, प्रगति और खुद को प्रदर्शित करता है, इसीलिए 15 जून से सूर्य मिथुन राशि में यानी आते ही इनके प्रभाव स्वरूप आपके निर्णय लेने की जो क्षमता है उसमें वृद्धि होती दिख रही है। आपका आत्मबल मजबूत होगा, जिसके चलते व्यापार व्यवसाय में सकारात्मक असर देखने को मिलेगा और अपने व्यापार को एक नई ऊँचाई तक ले जाएंगे। मिथुन राशि वालों, ये स्थिति आपके आय में अपने निर्णय के चलते आप अपने व्यापार को आगे बढ़ा पाएंगे और मुनाफा प्राप्त कर सकेंगे। शेयर बाजार एवं लॉटरी सेक्टर में भी आपको धन लगाकर धन खूब अर्जित कर सकते हैं, यानी आपको इसमें दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती नज़र आ रही है। चेहरा संबंधित समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है, यहाँ तक कि यह समय आपके स्वभाव में उग्रता भी दिख सकती है, इसलिए सबसे ज़्यादा आपको इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। तो अपने जीवन में सभी प्रकार की प्राप्ति अगर करनी है तो इसमें थोड़ा सा क्रोध ना करें। हालांकि आपको इसमें आँखों से या स्किन संबंधी कोई त्वचा रोग हो सकता है, हार्ट संबंधी परेशानी बीमारी हो कर सकती है, तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, जीवन में सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करना है। दोस्तों, आप राजा के समान इस समय मान प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आपके प्रथम भाव में विराजमान होने के चलते आपके व्यापार व्यवसाय में धन लाभ प्राप्त होगा। मिथुन राशि वालों, आपके रुके हुए कार्य फिर से शुरू होंगे। आपके आय के स्रोत में भी वृद्धि हो सकती है, यहां तक कि आपके जमीन जायदाद के मामलों में भी लाभ मिल सकता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार केंद्र भवन को लक्ष्मी का स्थान माना जाता है। वहां पर नौकरी के कारक सूर्य ग्रह का विराजमान होना और बुध के साथ सरकार से जुड़े जातकों को यहां पर आपको लाभ जरूर मिलेगा, यानी सरकारी क्षेत्र में से आपको ज़बरदस्त लाभ मिलने वाला है। विशेषकर जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनके लिए शुभ समाचार प्राप्त होंगे, यहाँ तक कि सरकारी योजना से आकस्मिक लाभ आपको मिलता दिख रहा है। इस सूर्य के गोचर काल में आपके जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है जो आपके भविष्य में आपके लिए एक नया रिश्ता आपके साथ जुड़ सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में परिणाम आपको उच्च शिक्षा प्राप्ति के सपने में मदद करने वाला है। कुल मिला के देखा जाए तो मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर शुभदायक रहने वाला है, यानी कि शुभदायक कहा जा सकता है। 15 जून से 15 जुलाई तक के बीच स्थितियों को समझने में आपको प्रयास भी करना चाहिए।
और यह सफलता आपके कदमों को भी चूमेगी। तो दोस्तों, आपको कई तरह से सफलताएं भी प्राप्त हो रही हैं। यहाँ पर मिथुन राशि वालों, आपके लिए बुधवार के दिन गणेश भगवान को दूर्वा की माला पहनाएं और आपको जितना हो सके आपको विष्णु सहस्त्र स्तोत्र का पाठ करें। दोस्तों, आपको उपाय के तौर पर बुधवार के दिन हरी वस्तु का दान करें और आपको सफ़ेद गाय को हरे चारा का यानी खिलाएं अपने हाथ से, दाहिने हाथ से, तो आपके लिए अत्यंत शुभ फलदायक रहेगा। तो दोस्तों, जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करिए। जय शनिदेव।